असलम होब यू आर आर हैविंग डेज आज हम डिसिप्लिन का लेक्चर नंबर टू डिस्कस करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि वाई वी नीड डिसिप्लिन आखिर ऐसा क्यों है कि हमें डिसिप्लिन की ही जरूरत है सक्सेसफुल होने के लिए क्या एक अच्छा इंसान बनने के लिए या अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने के लिए हमें डिसिप्लिन ही की ज़रूरत क्यों है आखिर ऐसा क्या है कि कौन सा गोल्डन फार्मूला है जिस पे अमल करके या जिसको अप्लाई करके हमारी लाइफ जो है बिल्कुल एक नेचुरल हेल्दी वे में चल सकती हैं आखिर डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों है ऐसा है क्यों सो डिसिप्लिन क्या है ये हमने पहले बात कर ली है ठीक है डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों है देखिए फर्स्ट ऑफ तो ऑल अगर एक बहुत गंदा एक मैसी रूम दें आपको क्या आप और आपको कहें कि आपने इसमें ऐसे ही सर्वाइव करना जैसे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो क्या आपसे रहा जाएगा कोर्स नॉट बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा आप जो मर्जी करें चाहे आप बीमार हों या जो भी हों आप नहीं भी ये मुझे सेट तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी अदरवाइज़ मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता धूल लटी हुई है हर जगह चीज़ें बिखरी हुई हैं सोने के बिस्तर पे भी इवन चादर नहीं है और बिस्तर पे भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं क्या आप उस पर रह सकेंगे बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे सो so, इसी तरह हमारे जो हैबिट्स हैं उनमें कुछ बैड भी हैं और कुछ गुड भी हैं जब वो एक साथ इकट्ठे कहीं भी बिखरे हुए हमारी लाइफ में चलते रहेंगे सो so हम किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे हम अपने काम सही से नहीं कर पाएंगे स्ट्रेस होगा स्ट्रेस होगा तो ज़िंदगी में मायूसी आएगी बढ़ता चला जाएगा वो तो मायूस होंगे तो फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे So, इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्यों ना हम अपने कमरे को साफ करें क्यों ना हम डिसप्लें हो जाए क्यों ना हम अपनी हैबिट्स को अपने सेल्फ को एनालाइज करें और उनमें से निकालें क्या हमारे लिए गुड था और क्या बैड था और किस किस तरह से हमें उन्हें ले कर चलना है फर मोर ताकि हम जिंदगी अच्छी गुजार सकें वो स्ट्रेस ना हो वो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस का डोज हाई ना हो जाए उसकी वजह से डिप्रेशन की तरफ ना चले जाएं इसीलिए हम डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने आप से कि शायद इसी वजह से कहीं हमारा जो सुकून खोया हुआ है वो हमें वापस मिल जाए ठीक है सो दिस इज़ वाई वो नीड डिसिप्लिन ठीक है इट लेट्स गिव इट अ ट्राई सबसे पहले सेल्फ डिवेलपमेंट अपने सेल्फ को डिस्कवर करें आर यू डूइंग गुड जॉब ठीक है क्या आप जैसे चल रहे हैं आप उससे मुतमिन हैं अपने लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठते ही छः से सात मिनट कम से कम ज़रूर निकालें सोचने के लिए कि क्या आप ठीक चल रहे हैं क्या आज आप खुश हैं या आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में ठीक है सो अपने आप को ज़रूर जाने इसका एक और बेस्ट बहुत बेस्ट वे है मेडिटेशन करें तकरीबन रोज़ पंद्रह मिनट से आधा घंटा अपने आप को दें अपने आप से बात करें ख़ुद को पहचाने देखें एनालाइज़ करें कि क्या आप ठीक चल रहे हैं क्या आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं या अगर वो नहीं भी कर रहे तो क्या आप इसे अपने लिए किस तरह उस मोल्ड कर सकते हैं कि आपको इसी में ही मज़ा आने लगे आप इसी में खुश हो जाएं कि जैसे आप कर रहे हैं क्या आप ऐसे खुश हैं क्या इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है सो so, अपने बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जाने फिर उसके बाद अब देखें कि कहाँ फ्लॉज आ रहे हैं जो ही फ्लॉज आ रहे हैं उनको पॉइंट आउट करें और उन पर काम करना शुरू करें ठीक है डिटेक्ट योर वीकनेस वेयर दे लाइज कहाँ हैं वो वीकनेस और क्यों आ रही हैं वो वीकनेसेस अपनी उन्हीं वीकनेसेस पे काम करना शुरू करें आपकी वो स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी जब हम अपने आप पे काम शुरू करते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोटिवेटेड होते हैं मोटिवेटेड तो होते हैं कि हाँ हमें करना है हम एक दिन कर लेंगे दो दिन कर लेंगे तीन दिन कर लेंगे फिर उसके बाद मोटिवेशन साफ डाउन हो जाता है एकदम से बिल्कुल डाउन के हाँ नहीं बस ठीक है हो गया काफ़ी है अब दिल नहीं कर रहा ये दिल क्यों नहीं कर रहा होता क्योंकि हम अपनी लाइफ अपने आप को डोपामीन की जो इंट्रोड्यूस करवाया है ना हमने हम उससे हटा के एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं एक हेल्दी लाइफ में जा रहे होते हैं उसकी तरफ ठीक है एक्चुअली हम जो है ना सारे डोपामिन एडिक्टर्स हैं डोपामिन एडिक्टर्स मींस हम अपनी खुशी लाइक like, जो हमें लगता है कि हमारे लिए प्लेयर गेनिंग चीज़ें हैं हम उसकी तरफ जा रहे हैं हम हमें जितना मिलता जा रहा है हम उतना लिए जा रहे हैं और हम एडिक्ट होते जा रहे हैं जब हम एक चीज़ करते हैं ना जिसमें हमें बहुत मज़ा आता है तब हमारी बॉडी में ना एक हैप्पीनेस से रिलेटेड ये हार्मोन है डोपामाइन वो निकलता है ठीक है वो जब सिक्रीट होता है तो हम ना बहुत ज़्यादा इमेंस प्लेयर प्लेयर का जो है फीलिंग हमारे लिए क्रिएट होती है सो so, हम सब डोपामाइन एडिक्टर्स हैं हम अपनी वीकनेसेस को फोगआउट करते करते अपने उस प्लाई गेनिंग सोर्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और हमारी ज़िंदियाँ बहुत हद तक जो है मफलूज होती चली जाती हैं फिर जब हम ज़रा होश में आते हैं और देखते हैं ये काम भी नहीं हुई ये काम भी नहीं हुआ, ये काम भी नहीं हुआ इतने अर्सेसरी नहीं हुआ ये भी नहीं हो सक रहा तो हमें क्या होता है इन एंगजाइटी स्ट्रेस और डिप्रेशन ये सारी बीमारियाँ जो साइकोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं हमारे आ जाते हैं सो so, अपनी वीकनेसेस को ये जो हम डोपमिन एडिक्ट हो जाते हैं ना अपने आप को वापस हेल्दी लाइफ की तरफ लेके आए अपनी जो वीकनेस है अगर एक बंदा बहुत गेमिंग करता है उस गेमिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना ले ठीक है उस मोबाइल या उस कंप्यूटर यूज़ करने को अपनी स्ट्रेंथ बना ले ठीक है जिससे वो ये देख सकता है कि उसे मोर मोटिवेट कैसे रहना है अगर वो एक स्टूडेंट है तो वो उसे पढ़ने के लिए वीडियोस देख सकता है ना पढ़ने वाली वीडियोस ही देख ले ठीक है आजकल तो बहुत ही कार्टून वीडियोस और एनिमेटेड चीज़ें ऐसी होती हैं इवन एनिमेटेड मूवीज़ भी होती हैं एक स्पेसिफ़िक फिनोमिना समझाने के लिए सो so, एक स्टूडेंट उस तरह से अपने उस सोर्स को यूटिलाइज कर सकता है अपनी उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकता है ठीक है सो डिसप्लेंड होने के लिए अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी की तरफ लेके जाएं, जब सेल्फ़ डिस्कवर हो जाए तो अपने फ़्लॉज देखें फ्लॉज में से अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें निकालें और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें नेक्स्ट है मोटिवेशन हाँ हम बात कर रहे थे पहले कि सेल्फ़ डिसिप्लिन uh, के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन तो डाउन हो जाता है सात आठ दिनों बाद मैक्सिमम महीने बाद तो ऐसा क्या है अपने अंदर विल पावर पैदा करें मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरत है विल पावर अपनी अपनी विल को पहचाने एक्चुअल में आपको चाहिए क्या है आप किसके लिए भागना चाहते हैं ठीक है, है? अपनी उस विल को पहचाने और उसके साथ चलें मोटिवेशन होना ज़रूरी नहीं है यू हैव टू नीड परसिस्टेंट स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस ठीक है इसी तरह आपको अपने आप को चाहे स्लो रखते हुए लेकिन परसिस्टेंस रखनी पड़ेगी कंटिन्यूटी दुनिया में बहुत से जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं वो ये नहीं कहेंगे कि हमें मोटिवेशन था नहीं मोटिवेशन तो होता है वो तो डाउन हो जाता है क्योंकि हमारे लिए एक मकसद बहुत इम्पॉर्टेंट था उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी उनको पता था कि दे कैन डू एनी थिंग बाई बंग परसिस्टेंट सो मोटिवेशन इज़ अफेक्ट कि आप जो है अपने आप को पहचान सकते हैं अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं टुवर्ड्स सक्सेस सक्सेस मीन्स कोई भी जो चीज़ जो गोल जो अचीवमेंट की तरफ आपको चाहिए उस तरफ सक्सेस है ठीक है तो आपको भी चाहिए कि आप अपने आप को विल पावर अपनी विल पावर को पहचानें और उसे स्ट्रॉग बनाएं ठीक है और मोटिवेशन के लिए और इसके लिए अपने आप से पहले बात करें मैंने पहले भी यही कहा था कि अपने आप को देखें हम दूसरों से बहुत बात करते हैं हमें ये पता होता है दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या हम अपने आप को जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आ, चलना क्या चाहिए हमें अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाहिए बनस्बत दूसरों के अगर एक इंसान सुबह उठते ही या दिन में चौबीस घंटों में से कोई एक घंटा भी अपने आप को दे देना उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं हो सकता ठीक है ये एक कामयाबी की बहुत बड़ी एक निशानी है आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछें कि वो ऐसा क्या करते हैं तो वो एक काम ज़रूर करते होंगे वो अपने आप को पहचानते होंगे और अपने आप को टाइम देते होंगे और फिर इसके साथ आप कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस कर सकते हैं अपना कि आपने ये हरकत ये हैबिट आपने अपनाई है तो उसमें से क्या क्या नुकसान मिला और इसका फ़ायदा क्या था तो कोर्स हम ज़्यादा फायदे की तरफ जाते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें जिससे ज़्यादा नुकसान हुआ और उसको करना शुरू कर दें जिससे आपका फ़ायदा होता है या जो आप सोचते हैं कि आइडियल आइडियल या आप वैसा होना चाहते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा भी कदम बढ़ाएंगे ना देन दैट्स गुड इनफ़ और परसिस्टेंट रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं सो so ये था आज का लेक्चर स्टे स्टिक विद अस थैंक यू